है वो लीडिंग पोजीशन में, यानी कि अभी तक अगर हम बात करें तो आपने बिल्कुल लोकसभा सांसद की बात कर ली बाबा अलकनाथ की, लेकिन सवाई माधोपुर से किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी के राज्यसभा सांसद है, कहा यह जा रहा था कि फंस सकती है उनकी सीट क्योंकि बीजेपी से ही बगावत करके उनके खिलाफ वहां पर प्रत्याशी खड़ी हुई थी, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर सवाई माधोपुर से किरोड़ी लाल मीणा के पक्ष में जाती हुई इस पोस्टल बैलेट के रुझानों में दिखाई दे रही है। बिल्कुल किरोड़ी लाल मीणा आगे चल रहे हैं और फिलहाल आपको बता दें सवाई माधोपुर सीट से, इसके अलावा सूरसागर से बीजेपी के देवेंद्र जोशी इस वक्त आगे चल रहे हैं। सीटवार नाम बता रहे हैं हम आपको, सवाई माधोपुर से किरोड़ी लाल मीणा आगे चल रहे हैं 45 सीटों पर बीजेपी बढ़त के साथ फिलहाल पोस्टल बैलेट में है। तिजारा से महंत बालकनाथ आगे चल रहे हैं, सांसद भी है सवाई माधोपुर से किरोड़ी लाल मीणा आगे, एक बड़ा चेहरा बीजेपी का। 34 सीटों पर फिलहाल कांग्रेस बढ़त बनाए हुए, तो लगभग फिलहाल रुझानों में 10 सीटों के आसपास का फासला बीजेपी कांग्रेस के बीच में नजर आ रहा है। अदर्स फिलहाल एक ही सीट पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए केकड़ी सीट पर, केकड़ी सीट वीआईपी सीट है, शत्रुघ्न गौतम बीजेपी के पीछे चल रहे हैं, डॉक्टर रघु शर्मा कांग्रेस के आगे चल रहे हैं, ये भी एक बड़ी अपडेट है आपके सामने। बिल्कुल केकड़ी से रघु शर्मा आगे चल रहे हैं, केकड़ी अलग जिला बना था और कहा यह जा रहा था कि रघु शर्मा को इसका श्रेय दिया जा रहा था, फिलहाल लगातार यहां पर विधायक रहे रघु शर्मा, वो आगे बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं, तो लगातार तेजी के साथ जो रुझान यहां पर आ रहे हैं वो आपको पहुंचाते हुए 45 पर बीजेपी, कांग्रेस 36 पर, 2 पर अन्य, अन्य का खाता एक के साथ बढ़ते हुए। श्रुति एक बार फिर से श्रुति का रुख कर लेते हैं। जी श्रुति, क्या बड़ी अपडेट, कौन सी बड़ी अपडेट आपको बता दे। जी आशा जी, क्योंकि 83 सीटों के अभी तक रुझान आ चुके हैं पोस्टल बैलेट के जरिए, जिसमें मुरारी लाल मीणा जो की कांग्रेस जो की दौसा से इस बार प्रत्याशी के तौर पर मैदान में, वो भी लीडिंग पोजिशन में है। उसी के साथ ही आपको बता दे कि गजराज खटाना जो